ब्रो तुम्हारे पीछे गड्डी। आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है बोलो तो? अरे और तो सनक आशिक बंदे मार रहा है। प्यारी समझ गई। हेलो, तो मैं आ चुका एक और न्यू वीडियो लेकर वापस। एंड आज की ये वाली वीडियो बहुत ज्यादा कमाल एंड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली, तो वीडियो शुरू से एंड तक देखना। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं वो स्टार्टिंग में जो मैंने आज नाम रखा है ना अपना सना का आसिक, वो देखते ही समझ गए होंगे कि क्या सीन है भाई। सना को तो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सब जानते हैं, और जो नए हैं ना वो जाके चेक कर लो, जो स्टार्टिंग वाली वीडियो है ना अपनी वो आप चेक करके ना मज़ा, मतलब पुरानी बातों का मज़ा ले सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने यहाँ जंप की थी, एंड इस नाम के साथ साथ रैंडम के भी रिएक्शन काफ़ी मज़ेदार होने वाले हैं। एंड जितने बंदे यहाँ पर आए थे क्या मैं सबको भरूंगा, एंड कितना ज़्यादा मज़ा आएगा ये वाले गेम प्ले में, वो आपको वीडियो पूरी शुरू से एंड तक देखनी पड़ेगी, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। एंड ये रैंडम लड़की, मतलब मैं इसको जानता नहीं था, बट ये मेरी लॉबी में थी, मतलब इनवाइट लिस्ट में थी, तो मैंने इसको इनवाइट किया ये नाम रखने के बाद। तो ये भी ना तो एकदम सोक्ड हो गई थी कि भाई इसने ऐसा नाम क्यों रखा। अभी फिलहाल हमने जंप की, एंड मेरे रैंडम बंदों के रिएक्शन भी सुनना, बहुत ज्यादा मजा आएगा। I got supplies. और मेरी चमकती हुई गन, एंड भाई मेरा इस तरह का नाम देखकर ये लोग पक्का समझ गए थे, रैंडम जो टीममेट्स थे मेरे, कि भाई इसका जरूर कोई ना कोई यूट्यूब चैनल है। और इन्होंने इस तरह कुछ पूछा भी, बट मैंने कोई जवाब नहीं दिया, अपना माइक ऑफ का ऑफ रखा। एंड जितने किल मुझे मिलते गए यहाँ पर मैं एक एक करके सबको बटोरता गया। एंड सही बताऊँ तो यहाँ पर एक बोट का किल मेरा चुरा भी। अभी फिलहाल मेरे इन रैंडम बंदों के रिएक्शन सुनते रहना, ये बहुत ज़्यादा फनी भी हैं, क्योंकि भाई इन्हें मतलब नहीं था कि मैं नोक हूँ, फिनिश हो रहा हूँ, कुछ भी इन चीज़ से मतलब नहीं था। फिलहाल सामने वाली बिल्डिंग में बंदा था, उसको कैसे घुस के मारा वो आप देखो। ये वाले गेम प्ले का यह मेरा तीसरा किल था। एंड गाइस मिलिट्री बेस में अभी तक काफी बंदे बचे हुए थे, और भाई आज के ये वाले गेम प्ले में एक स्प्रे तो ऐसे भी देखने को मिलेंगे जिसको देखने के बाद लाइक करने का ऑटोमेटिकली मन करेगा आप लोगों का। एंड रिएक्शन तो आप लोग देख रहे हो, एंड पुराने सब्सक्राइबर ना मेरे इस नाम को देखकर मैं सच बता रहा हूँ आज कमेंटों की लाइन लगाने वाले, क्योंकि सना के तो दीवाने सभी थे, लेकिन उससे बड़ा कोई नहीं। अभी फिलहाल यहाँ पर जो मुझे फ्री का किल मिला उसको मैंने उठाया, एंड उसके बाद यहाँ पर मुझे दो किल ऐसे मिलने वाले हैं जिसे देखकर ना आप भी एकदम सोक्ड होने वाले हो। जैसे ये लड़की मेरा ये सना का आशिक नाम देखकर सोक्ड हुई थी ना, इसी तरह वो किल देखकर आप लोग सोक्ड होने वाले हो। कितनी आसानी से मुझे वो दो किल मिलेंगे वो आप देखो। इसे बोलते हैं हेड पावर। मुझे खुद नहीं पता था कि मैं सामने दो दो बंदे नोक करके आया हूँ, लेकिन बंदे दो नोक थे, एंड यहाँ पर वो दोनों किल मुझे मिले भी। एंड छः किल होने के बाद यहाँ पर मेरे साथ जो घटना घटी वो देखकर आप लोगों को दुख तो होगा, लेकिन अभी तक ये गेम प्ले बहुत लंबा जाने वाला था, तो बहुत ज़्यादा मजा आएगा। अभी फिलहाल देखो मेरा ही नेड मेरे को ही डैमेज करेगा। Awesome.
अभी आप लोगों को लगा होगा कि मैं सामने से पिट गया, नहीं, वहां का जो बंदा था एक तो मैंने नॉक कर दिया था, बट एक बंदे का इतना जल्दी मेरे ऊपर एम नहीं आया था, बट जो दूसरा बंदा इस बड़े से पत्थर जैसे फूल के नीचे पड़ा हुआ था ना घास में, उस कमीने ने मेरे को भर दिया। अभी मैं रिकॉल हुआ, एंड रिकॉल होने के बाद अपने टीममेट्स के साथ जा रहा था, एंड उसी टीम का बंदा जो मैंने वहां पर फिनिश की थी ना मिलिट्री बेस में, यहां पर अटपका। इस वाले बंदे को मैंने बहुत ज्यादा खुशी में फिनिश किया था, क्योंकि मुझे पता थी ओपन में मुझे गोलियां पड़ सकती हैं, लेकिन स्काई नेट मैंने जैसे ही नाम देखा ना तो मैं समझ गया ये वही टीम है जिसने भाई मेरे को, मतलब जिसकी मेरी फाइट वहां मिलिट्री बेस में हुई ना, वहां पर जिसने सना को फिनिश किया था वही। अभी फिलहाल हम लोग वहां आए जहां फाइट बहुत तगड़ी चल रही थी। अभी स्कूल की कहानी यहाँ खत्म होने वाली नहीं थी, क्योंकि स्कूल तो आपको पता है फर्स्ट क्लास से इंटर क्लास तक चलता है, क्योंकि भाई बहुत लंबा पड़ जाता है। देखना जब कोई बच्चे पढ़ते हैं ना तो उन्हें ऐसा लगता है भाई कितनी लंबी जिंदगी हो गई, पढ़ नहीं पढ़ रहा, तो ऐसे ही स्कूल का काम आज का होने वाला था, क्योंकि भाई यहाँ वो टीम भी आने वाली थी जिसने हमारी पूरी टीम को एलिमिनेट किया था मिलिट्री बेस में। अब इन लोगों की गाड़ी पर मैंने स्किन लगाई थी तभी उस टीम की एंट्री हुई। Marked a location. हिसाब बराबर भाई, इन लोगों ने मिलिट्री बेस में मेरी टीम को एलिमिनेट किया था, एंड यहाँ पर हम लोगों ने इनको बिल्कुल खत्म कर दिया। अब ये तो गेम में आने से भी रहे। अभी फिलहाल हम लोगों ने यहाँ से अपनी जो भी छोटी मोटी लूट जो उठानी थी वो उठाई, एंड यहाँ से लूट उठाने के बाद हम लोग यहाँ से जैसे ही निकलते हैं तो एक गाड़ी जैसे ही मेरे पीछे से आई ना तो मेरे टीममेट ने बस आवाज़ ही लगाई थी, तो तुम्हारे भाई का स्प्रे देखो यार। अब भाई जो टीममेट मेरा मर चुका था ना एंड वो मुझे ही वॉच कर रहा था, तो भाई उसकी हलक में ना जवान अटक गई थी, खुशक हो गया था कि भाई ये क्या था। सच बताऊँ ना मुझे भी एकदम अजीब सा लगा था, लेकिन इतना बड़ी बात भी नहीं थी, बहुत मामूली सी बात थी। तो फिलहाल इस वाले स्प्रे के बाद एक लाइक कर दो। अभी हम लोग यहाँ से निकले एंड एक बड़ी फाइट की हमको ज़रूरत थी जो एंड में होने वाली थी। अभी 14 बंदे बचे हुए थे एंड 11 किल मेरे थे, एंड रैंडम बंदों के साथ ज़्यादा किल नहीं निकल पाते हैं, एंड से बताऊँ तो मुझसे तो अपने बंदों के साथ नहीं निकल पाते, नूबी इतना बड़ा हूँ। अभी फिलहाल सामने जैसे गाड़ी निकली तो मैंने स्प्रे डाला लेकिन कुछ खास मिला नहीं, लेकिन ये बंदे को मैं भरने वाला था। अब मैंने अपने टीममेट को इशारा किया एंड भाई यहाँ से हम लोग निकले, एंड बग्गी जैसी जगह जाकर मेरा फ्यूल खत्म हुआ ना जहाँ मैंने सोचा भी नहीं था, एंड उसी के साथ साथ मैंने उस बंदे को वहीं घुस के मारा जहाँ वो बंदा था, एंड उसने ना मेरे टीममेट को नोक भी कर दिया था सना को। Watch out. Marked a location. और निकल जाए आ रहा भाई, इस बंदे को मैंने फिनिश किया, एंड मुझे एक बात यहाँ पर पता लगी, जो ये मेरे रैंडम टीममेट्स थे ना ये थोड़े कमीने टाइप के थे, क्योंकि भाई
ये बेचारी सना यहाँ पर नोक पड़ी थी एंड इसके पास थी। ये बंदा यहाँ से हटता हटता मेरे पास लो आ गया एंड इसको पता थी कि भाई वो उसको रिवाइव कर सकता है, लेकिन भाई उस बंदे ने ना पता नहीं क्या बूम उफा फाप आ जाने क्या क्या बोल रहे थे ये लोग। फिलहाल ये बात इन लोगों की मुझे गलत लगी एंड जैसे ही मैंने अपने टीममेट को रिवाइव किया सामने मुझे बंदे दिखे एंड यहाँ पर ना मैं भी एक बड़ा झटका खाने वाला हूँ। एंड ये बेचारी देखना यार, मतलब सना ना मेरे को बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है यहाँ पर, बट किस्मत बहुत ज़्यादा ख़राब थी मेरी। सागर याची बॉडी तरी लागली तरी नॉक होत नाही होय होत मार ना आता ओ बाल बचाव शाबाश मी काय बोललो बचाव जो दिख रहा है उसको उड़ा दो बचाव। अब ये बंदा चाहता तो एक दो स्मोक बनाकर मुझे बचाने आ सकता था, लेकिन इसने मेरे को बचाने की बिल्कुल नहीं सोची एंड इसका टीममेट मेरी मजाक बना रहा था। अब ये दोनों एक टीम के थे बट यार फिर भी मेरी हेल्प की सना ने एंड भाई मतलब मेरी इस अच्छी सी टीममेट ने मेरी मदद की एंड यहाँ पर मुझे रिवाइव भी मिला। एंड रिवाइव होने के बाद भाई मैं बिल्कुल नहीं बचा पाया एंड जो एक नंबर के साथ हुआ वो तो सही था, लेकिन अब जो मेरे चार नंबर के साथ होने वाला था वो बहुत ज़्यादा गलत होना एंड मैंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेहनत की थी इसको बचाने के लिए। Thank you. No. Awesome. चौदह किल तो मेरे हो चुके थे एंड मैं ओपन में फंस चुका था एंड जितने भी सामने वाले अपोजिट वाले बंदे थे ना उनके पास अच्छा खासा कवर था। मेरे टीममेट धीरे धीरे यहाँ पर मर गए एंड गाइस मैं खिसकते खिसकते उनके पास लो पहुंचा, लेकिन वो तो मुझसे बड़े हरामी थे, वो खुद घास में लेटे हुए थे। फाइनली ये वाले गेम प्ले में रैंडम के साथ ओनली 15 किल एंड अब जो अगला वाला गेम प्ले था एंड उससे पहले मैंने चैट में देखा स्टार्टिंग आने बाद भाई कुछ इस तरह की मेरी तारीफें हुई, बट यार मुझे ये तारीफें ना मेरे लिए नहीं लग रही थी। मतलब यार किल होने चाहिए एक अच्छे खासे, लेकिन किल तो मैं अब भी कुछ खास नहीं कर पाऊंगा, लेकिन इंटेंस इतना ज़्यादा होने वाला ना यासनाया में बहुत ज़्यादा है। एंड भाई मेरा ये अब टीममेट्स खुद मेरा था, बोले तो मनी छोटा मोटा, समझ रहे हो ना आप कौन है मनी। तो फिलहाल ये वाला गेम प्ले बहुत ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, यासनाया की फाइट एकदम खतरनाक होने वाली है। स्टार्टिंग मेरी फ्री की किल से हुई एंड भाई जब ही मुझे एक आगे से बंदा जंप करता दिखा यासनाए में जंपी की थी, दो किल हो चुके थे एंड अभी ऐसा नहीं था कि किल और नहीं मिलने, किल यहाँ पर कम से कम 11-12 मिलेंगे एंड उन किल से पहले एक और फ्री का किल मुझे यहाँ पर मिला, बट यहाँ पर मैंने पहले बंदा समझा था लेकिन निकला ये भी बोट ही। अभी फिलहाल ये फ्री का किल उठाया एंड यहाँ ना मुझे कई सारे फ्री के किल मिले एंड उसके बाद यहाँ पर एक खतरनाक सीन आप लोगों को देखने को मिलेगा। जो फाइट होने वाली है ना बहुत ज़्यादा बेहतरीन एंड क्लच भी देखने को मिलेगा आप लोगों को। रोज क्या मैं मारता हूँ, मतलब सामने बंदे मारता हूँ। अभी फिलहाल सामने जो बंदा था उसको बढ़ते हैं अपन। अभी जो मैंने पिछला कुछ वर्ड बोल दिया था कुछ गलत तो नहीं समझा ना आपने, ऐसा कुछ गलत था नहीं, लेकिन वो सामने वाला बंदा बहुत ज्यादा गलत था। इसमें हंसने वाली कौन सी बात थी, मैंने भाई कुछ गलत नहीं बोला था, वो आप लोगों को ना बजा होगा कुछ कानों में, दोबारा रिपीट करके देख लो, मैंने कुछ गलत बोला ही नहीं। अभी जो ये सामने वाले बंदे थे ना ये बहुत ज़्यादा उछल रहे थे, अब इनको भरने की बारी थी एंड उससे पहले पहले यहाँ पर मैंने एक दो फ्री का किल उठाया एंड इन लोगों को इतना गलत मारा ना वो देख कर ना आप लोग सोक्ड होने वाले हो। एंड भाई कमेंट जरूर करना अगर ये वाला किला चाहे लोगों को पसंद आए ना, तो कमेंट जरूर कर देना बाद में।
अभी तक मुझे जितने भी फ्री का किल मिले थे वो सारे मिल चुके थे, लेकिन अब जो फाइट होने वाली थी बहुत ज्यादा इंटेंस एंड बहुत ज्यादा मजेदार होने वाली थी। अभी तक जो भी वीडियो को वॉच कर रहा है अब वीडियो वॉच करनी बंद मत करना, पूरी वीडियो देखना, क्योंकि अब वाली जो फाइट होने वाली है ना सारी इंटेंस एंड मजेदार होने वाली है। अभी फिलहाल जिस घर के अंदर मैं आया था यहाँ दो तीन बंदे थे, पहले तो इन लोगों को भरते हैं, उसके बाद जो बंदे आगे की साइड थे ना जिस बंदों की फाइट अपने बीच में रोक दी थी। चल ऊपर आग जला रखी इनके पास। देख नीचे कुछ के बाद गया था, फिर स्टोरी आ जाओ। अब ये कहानी जो मोड़ लेने वाली थी उसका मेन पॉइंट थ्री स्टोरी थी भाई। यहाँ से ये गेम बहुत ज़्यादा खतरनाक होने वाला है एंड क्लच देखने को मिलने वाला है आप लोगों को बहुत ही जल्दी। अभी फिलहाल सामने स्कोर्ड हाउस एंड ये ब्लू हाउस जो था इसके अंदर बंदे थे, एंड ब्लू हाउस वाले बंदे को मैंने थोड़ी मारने की कोशिश की लेकिन साइड से जैसी मुझे पड़ी मैं पीछे हट गया, लेकिन वो बंदा अभी भी बाज नहीं आया था। मेरा टीममेट उस बंदे को नॉक करने की इतनी जल्दी ना करता तो ये दोनों किल मेरे थे, लेकिन यहाँ पर एक क्लच भी मेरे हाथ होना था वो भी लिखा हुआ था। अभी फिलहाल यहाँ पर जो बंदा मैंने नॉक किया था उसको फिनिश करते हैं, उसके बाद उस क्लच की बारी है जो बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है, उसके लिए एक लाइक कर देना एंड में चलते चलते जिसने भी लाइक नहीं किया ना वो लाइक करते जाना। एंड अभी एंड समझ रहे हो ना, हाँ एंड सही है, लेकिन भाई फाइट बहुत ज़्यादा मजेदार है वो आप देखो। अब ये बंदा मुझे चलाकी दिखा रहा था, लेकिन भाई इसकी चोंच जैसी मुझे थोड़ी सी दिखी ना मैंने तोड़ दी। अभी फिलहाल यहाँ पर इस बंदे को मैंने भरा एंड भाई ये लोग रिकॉल तो हो गए होंगे, एंड रिकॉल हुए वो इनका जिंदगी थी, क्योंकि भाई रिकॉल एंड ये सब तो इवेंट्स में चलता रहता है। एंड भाई मुझे भी रिकॉल की बहुत ज़्यादा जरूरत कभी कभी पड़ जाती है। अभी इस बंदे को मैंने भरा, यहाँ पर एक दो फ्री के किल मिले एंड उसके बाद हम लोग यासनाया से निकले एंड 12-13 किल मेरे ऑलरेडी यहाँ पर हो चुके थे। अभी एक दो किल बस मुझे मिलेगा एंड मेरी किस्मत ख़राब भी होने वाली है। अब हम लोग यासनाया से निकले एंड यासनाया से निकलने के बाद एक ख़राब फाइट मेरे हाथ चढ़ने वाली है। क्या पागल बना है बेचारे का। पागल उसका नहीं, उसने हम लोगों का बना दिया था, क्योंकि भाई उसकी पूरी टीम पीछे से आ चुकी थी एंड भाई मुझे नहीं पता था इतना गंदा हम लोग घिर चुके हैं। एंड उस्ताद तो हम लोग अपने आप को समझ रहे थे लेकिन रियली में तो वो थे उस्ताद। अभी फिलहाल यहाँ पर ये वाला गेम प्ले मेरा ख़त्म हुआ एंड भाई कुल 13-14 किल मेरे इस वाले गेम में रह गए थे। अब भाई अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू। एंड कैसा लगा ये वाला नाम सना का आशिक वो कमेंट में जरूर बता देना, एंड किस किस को याद आई वो पुरानी बात है वो भी कमेंट में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।